न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। मैं कार्रवाई से जो जो कुछ हुआ वहां ब्यावरा राजगढ़ में, वो लोकतंत्र के लिए काला दिन है। मैं तो स्तब्ध हूं। कोई कलेक्टर ऐसी हरकत कर सकते हैं? दौड़ दौड़ के खुद हाथों में तिरंगा झंडा लिए और भारत माता की जय बोल रहे हैं, नागरिकों को बेशर्मी से पीटा गया है। कलेक्टर थप्पड़ मार रही है, कलेक्टर राष्ट्रध्वज छुड़ा रही है। अति है ये, लोकतंत्र में क्या भारत माता की जय बोलना अपराध है? क्या तिरंगा झंडा हाथ में लेके वंदे मातरम के नारे लगाना अपराध है? ये हो क्या रहा मध्य प्रदेश में? ये जुल्म की इंतहा है, अत्याचार की पराकाष्ठा है। जिस ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे लोगों को पीटा गया है, गंभीर रूप से घायल है, बंसल अस्पताल में भी लोग भर्ती हैं, लेकिन ये तो अति होगी कि कलेक्टर दौड़ दौड़ के पीटे, भारत माता की जब बोलने पे पीटे। मैं आहत हूं, मन में गुस्सा है, और हम किसी भी कीमत पर इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो कमलनाथ से पूछना चाहता हूं, ये उनकी कलेक्टर है, क्या उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्टर इस तरह की हरकत करें, लोगों को मारे पीटे अपने हाथों से? क्या संविधान ने कलेक्टर पे अधिकार दिया है? कौन है इस कलेक्टर के पीछे, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। और जहां तक जनता को दबाने का सवाल है, इमरजेंसी में कितना दबाया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और जनता पर। ब्यावरा में जो एक एक लाठी पड़ी है, वो कांग्रेस की सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होगी। हम जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, बताएं, वो खुद सीए के विरोध में जुलूस निकालते हैं, उसको अनुमति दी जाती है, हजारों लोग सड़कों पर निकलते हैं, तब धारा 144 नहीं, सीए का विरोध कर रहे लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, और एक मंत्री धमकी देते हैं कि कोई कार्रवाई की तो मैं देख लूंगा, और दूसरी तरफ भारत माता की जय बोलते, वंदे मातरम बोलते हुए, तिरंगा झंडा हाथ में लेके उस कानून को, जिसको संसद के दोनों सदनों ने बहुमत से विधेयक पारित करके कानून बनाया है, उसके समर्थन में अगर लोग निकलते हैं तो उनको बर्बरता पूर्वक पीटा जाता है। हम छोड़ेंगे नहीं इस तरह की घटनाओं पे प्रशासन को। हम FIR दर्ज कराएंगे कलेक्टर के खिलाफ, और FIR अगर दर्ज नहीं होगी तो हम कोर्ट में जाएंगे, और मैं स्वयं ब्यावरा जाऊंगा, कार्यकर्ताओं के हालचाल भी पूछूंगा, और इस घटना के विरोध में हम जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा करेंगे। कलेक्टर किस सत्ता के कौन से मत में चूर है ये तो बताए, क्या वो एक पार्टी के गुलाम है, एक पार्टी के नेताओं के सारे इस तरह का काम करेंगे? वो ध्यान रखें कि वो जनता की सेवक है, सत्ता के मद में चूर होके इस तरह की घटना जो उन्होंने की है, इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, ये घटना के सामने आने के बाद दूसरी तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी तरफ से भी कलेक्टर पर हाथ उठाया। शर्म आना चाहिए लोगों को जो आरोप लगा रहे हैं, वीडियो देख लें, कौन है कलेक्टर पे हाथ उठाया? कोई कलेक्टर पे हाथ उठा सकता है क्या? अब ये कांग्रेस तो शर्माती कहते हुए कितने नीचे गिर सकती है। अगर कोई घटना गलत हुई है, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने गलती की है, तो गलती स्वीकार करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बजाय कार्रवाई करने के उल्टे आरोप लगा रहे हैं, वीडियो सारा सच दिखा रहे हैं, और इसलिए बेशर्मी की हद है। बेहतर होता कि इस घटना पर सरकार संज्ञान लेती, और जिनने निरपराध लोगों को भारत माता की जय बोलने पर पीटा है उनके खिलाफ कार्रवाई करती, उसके बजाय वो केवल जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जनता कर रही थी, केवल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं निकले थे, प्रदर्शन भी नहीं था, वो तो सीए के समर्थन में निकले थे, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे। तो सर, इस बारे में आप मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, क्योंकि
तमाम जो अधिकारी हैं मुख्यमंत्री पता चला कि विदेश गए हुए हैं, लेकिन हम मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे अफसर जो लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचल दें। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041 8720042038 3